नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर एक आरोपी को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शामली पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दृष्टिगत सभी क्षेत्र में पुलिस टीम को लगातार अपराध को नियंत्रित करने हेतु अभियान चलाने की दिशा निर्देश दे रखे हैं। इसी अभियान के तहत थाना भवन पुलिस ने थाना भवन मुल्लापुर मार्ग पर कृष्णा नदी के नजदीक एक व्यक्ति को अवैध शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार थाना भवन क्षेत्र के गांव सोटा रसूलपुर निवासी नाजिम उर्फ कल्लू क्षेत्र में अवैध शस्त्र निर्माण कर सप्लाई करने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि इन अवैध शस्त्रों के चुनाव में भी प्रयोग किए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पकड़े गए आरोपी के पास से बने व अध बने भारी मात्रा में तमंचे व बंदूक बरामद की गई है। वही कारतूस और शस्त्र बनाने के प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो पुलिस टीम्स हैं वो एक्टिव हैं। कहीं पे भी अवैध शस्त्र या ऐसी कोई भी और अवैध चीज जो ना रहे और ना बने, उस चीज को लेकर सारी टीमें सतर्क हैं और लगातार इस क्रम में अभियान जो है चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना भवन द्वारा एक अवैध असला फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से एक फैक्ट्री और उस फैक्ट्री में निर्मित 10 अवैध तमंचे, 3 अवैध बंदूक और 11 अवैध अर्ध निर्मित शस्त्र और तमाम जो भी बनाने के सामान और रॉ मटेरियल्स हैं वो बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी और अरेस्टिंग को लेकर थाना भवन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पहली नजर।